जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कुछ जवाब। और हम बात ये कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान की जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट करार दी जाती हैं। कल के मारवी बीमन के उस स्टेटमेंट को लेकर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज़ में रहकर सियासत नहीं की जा सकती, डेफिनेटली उनका इशारा पीटीआई की ही जानिब था, ऑल्दो कि उन्होंने नाम नहीं लिया। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल नज़ीर लगारी साहब ने हमें बताया कि एक तो ये जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल, और हम भी बहुत अरसे से कह रहे हैं जिस तरह से ये रातों रात सामने आई, जिस तरह से इसमें फंडिंग हुई, खैर नज़ीर लगारी साहब पीटीआई के बारे में आप क्या कहेंगे? पीटीआई का अगर इस तरह बरह रास्त तो यूं नहीं कह सकते, एक सियासी पार्टी तो है बहरहाल, लेकिन अब ज्यादा तवक्कुआत और उम्मीदें एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई से लगा रखी हैं, इसलिए कि दो बड़ी पार्टियां, पहले एक ना एक पार्टी उनके हाथ में होती थी, एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नून को इस्तेमाल कर लिया करती थी, और पिछले जो डिकेड था पूरा 90s का उसमें इन्होंने इस्तेमाल किया, और अब नवाज शरीफ कम अज कम इस बात को समझ गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में खेलना जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। तो अब उनकी सारी उम्मीदें जो हैं वो पीटीआई से हैं, और वो पीटीआई में अपने अपने हलकों के जो लोग हैं उनको भेज भी रहे हैं और उनको शामिल भी करा रहे हैं। बड़े मारूफ लोग होते हैं जो जिनकी शक्लो सूरत भी बड़ी पहचानी जानी पहचानी होती है, जिनके अंदाज गुफ्तगू भी जाना पहचाना होता है, जिनका तर्ज अमल भी जाना पहचाना होता है, जिनकी निशस्त बर्खास्त भी जानी पहचानी होती है, और आजम सवाती साहब जैसे जिन लोगों का नाम लिया जाता है। तो ये लोग जब जा रहे होते हैं तारीख इंसाब में, हमारे लगारी सरदार जब जा रहे होते हैं और जब जहांगीर तरीन साहब जा रहे होते हैं, तो फिर ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ सिग्नल है और सिग्नल। अच्छा, आपकी इस बात से क्या मैं ये समझूं नज़ीर लगारी साहब कि जिस तरह ये सियासी जमात का आगाज़ हुआ था उस तरह से एक नॉर्मल सियासी जमात ही, जिस तरह से सियासी जमातें शुरू होती हैं, लेकिन 15 साल के बाद अचानक जिस तरह से उसको हाइप मिली, तो ये हाइप में बड़ा हिस्सा है, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी? नहीं, मैं शुरू में ही उसका यही था, शुरू में बाज दफा रखी हुई चीजें काम आती हैं, तो ये रखी हुई चीज थी जब इनकी उठान हो रही थी, और जिस तरह से इनके ठीक है, तो जो मजामीन इनके नाम से छपते रहे हैं, अगर वो मजामीन पढ़कर ही बता दे तो मैं बताऊंगा कि जी बड़े कमाल के आदमी है, ऐसा नहीं है, उनको पता ही नहीं होगा कि उनके नाम से जो मजामीन छपते रहे हैं मुख्तलिफ अखबारात में, और उनको दानिश्वर साबित किया जाता रहा, बड़ा विजनरी और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, बहुत ज्यादा भाई ठीक है, एक्सपोर्ट के पढ़े हैं और बरतानिया में उनने बड़ी तालीम हासिल की है, लेकिन पाकिस्तान के मुआशरे की अभी तक उनको जो है वो डायनेमिक्स को समझने से मैं नहीं समझता हूं कि उन्हें डायनेमिक्स की समझ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमसे गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, ये था नज़ीर लगारी साहब का तज़िया जो कि एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज के हवाले से था, और जिस तरह से उन्होंने पीटीआई के लिए बात की, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के हवाले से बात की, और ये भी हमने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान बनने के पहले साल ही एस्टैब्लिशमेंट का रोल शुरू हो चुका था, उनके दाव पे आजमाना शुरू हो चुके थे। इस वक्त जो शख्सियात हैं हमारे जो पैनल गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करा दूँ। सैनेटर तारिक अजीम साहब मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक अजीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, कुछ ही देर में मैं आरिफ अलवी साहब ज्वाइन करेंगे जो कि सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, और इसी के साथ नून लीग की शख्सियत सदीक अल फारूक साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। तारिक अजीम साहब, पहले तो मुझे ये बताएगा कि आप के साथ की ही थी, बल्कि सियासत शायद उन्होंने आप लोगों के साथ ही सीखी, जिस तरह से उनको सियासत में लाया गया, 3 साल उन्होंने गुजारे, फिर अचानक आप लोगों को छोड़ के चली गई, आज उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली, लोग कह रहे हैं बैक टू द पवेलियन, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? जी, उनका अपना फैसला है, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी करी कि उन्होंने नेशनल असेंबली से रिज़ाइन करके फिर काफ़ी अरसा गुजारा आउट ऑफ द असेंबली, और फिर जाके उन्होंने ज्वाइन किया है MEPMLN को, तो इस लिहाज से तो जो उनको करना चाहिए था उन्होंने वही किया है। बाकी अभी मैं सुन रहा था तजिया नज़ीर लगारी साहब का, बहुत ही उन्होंने डिटेल में इसको तजिया किया। शायद ही कोई ऐसी सियासी पार्टी इस वक्त है जो कि कह सके कि उनका कोई तल्लक एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं रहा, और एस्टैब्लिशमेंट को भी अब अच्छी तरह से अगर आप डिफ़ाइन कर दें कि यानी कि ये आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का एक मिक्सचर है, उसमें कुछ आउटसाइडर भी शामिल हो सकते हैं, तो ये अदारे जब किसी को सपोर्ट करते हैं तो लामहाला उनको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है और उनकी पोजिशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो सारी की सारी पार्टीज किसी ना किसी हवाले से तो उनके साथ रहे हैं। आपने हवाला दिया कि जी शुरू से कायदे आज़म के वक्त से शुरू हो गया, उसमें तो समझ आती है बात कि जी कायदे आज़म हो या लियाकत अली खां हो, उनकी पाकिस्तान में कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी इस लिहाज से कि कायदे आज़म बॉम्बे से बिलोंग करते थे और लियाकत अली खां करनाल से बिलोंग करते थे, पाकिस्तान में उनकी कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी।
तो एक ये बात भी समझ आनी चाहिए। फिर उसके बाद भुट्टो साहब जब आए तो आपको पता है कि अयूब खान साहब के साथ वो काम किया उन्होंने 8 साल 58 से लेके 66 तक, तो वो भी नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी उन्होंने अयूब खान के साथ काम जरूर किया, लेकिन पीपल्स पार्टी की तश्कील में तो एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं रहा, बल्कि पीपल्स पार्टी तो शायद वो जमात है जो हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात काउंट की जाती है। नहीं जी, अब देखिए, हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैसे कह सकती हैं आप? एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो पार्टी होती है जिसका कभी तल्लक ही ना रहा हो इनके साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ। आज भी देखें तो किसके साथ नहीं, आज के दौर में तो वो ये तो वो दौर है जो हमेशा से नून लीग प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी मानी जाती थी, आज वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी काउंट हो रही है, और पीपल्स पार्टी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी काउंट की जाती थी वो आज प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी काउंट हो रही है। मेरी बात आपने नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा कि अभी भी पीपल पार्टी जब इक्तदार में आई है तो किन के साथ डील करके वापस आए, NRO किन के साथ साइन किया, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट, क्या जनरल मुशर्रफ नहीं थे, क्या वो आर्मी के चीफ नहीं थे जब ये डील हो रही थी? आपको भी पता है, हमें भी पता है, आज तो सारी दुनिया की किताबें लिखी जा चुकी हैं कि जो अबू धाबी में, दुबई में जो मुलाकातें होती थी वो किसके साथ होती थी उनकी, किस तरीके से मुल्क में आए वापस, किस तरीके से आए। तो ये बात देखे, इसमें तो मेरा ख्याल अब इसमें बहस करना भी जो है देखना अब ये है कि जी आपका तजुर्बा बोल रहा है ना जी, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं आपके साथ कि देखें, अब कोई पार्टी क्या कहती है जी कि हमने कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ नहीं मिलाया, क्या आज प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब जियाउल हक के जमाने में रेलवे के मिनिस्टर नहीं थे मुस्लिम लीग में? तो वो तो खैर अब देखें ना, फैक्ट्स की बात है, लोगों की याददाश्त जो है बड़ी शॉर्ट मेमोरीज होती हैं, भूल जाते हैं लोग, लेकिन अगर फैक्ट्स से आप बात करें तो सारे के सारे लोग जो हैं उसमें कोई बुराई भी नहीं है ऐसी कि अगर आप एक पार्टी के साथ हैं और अगर उनके साथ आप नहीं चल सकते किसी वजह से भी, आपके इख्तलाफात हैं, आप उनको छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, इसमें हम लोगों ने इसको भी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है तारिक अजीम साहब, मैं मुख्तसर सा एक ब्रेक पे जाने से कबल हमें आरिफ अलवी साहब भी ज्वाइन करेंगे, सदीक अल फारूक साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मारवी मेमन की और मियाँ नवाज शरीफ की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुफ्त मशवरा भी दिया गया है चौधरी बरादरान को, और उनको कहा गया है कि जी अगर वो कौम से माफ़ी मांग लें और इस बात का तहिया कर लें कि आइंदा वो किसी डिक्टेटर का साथ नहीं देंगे तो उनको माफ़ किया जा सकता है, उनको वापस ले लिया जा सकता है, उनको खुश आमदीद कहेंगे। एग्जैक्टली क्या कहा मियाँ नवाज शरीफ ने, आइए पहले वो देखते हैं। चौधरी जो है वो साहबान अगर कौम से माफ़ी मांगे, कौम से, मुझसे नहीं कौम से, कि हम आइंदा किसी डिक्टेटर का साथ नहीं देंगे, हम आइंदा जमहूरियत को मजबूत करेंगे और हम जमहूरी असूलों के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं करेंगे, तो चौधरी आर वेलकम इनटू पीएमएल के लिए। चौधरीज आर वेलकम अगर वो कौम से माफ़ी मांग लें और इस बात का तहिया कर लें कि आइंदा किसी डिक्टेटर का साथ नहीं देंगे। डेफिनेटली जवाब आया चौधरी बरादरान की जानिब से। शुजात हुसैन साहब क्या कहते हैं, उनकी बात भी देखते हैं। साल पहले ये गुनाह उन्होंने उसी परवेज मुशर्रफ के हम मनसब शख्स के साथ किया था जब वो उन्हें बावर्दी असम्बली हाल के अंदर ले गए थे, जहाँ पर ये आजकल कहते हैं कि जमहूरियत का एक घर है। तो इससे पहले वो 15 साल पहले वाली गुनाह माफ़ी मांगे, उसके बाद फिर हमसे कहें कि हम माफ़ी मांगें। यह किस्म की चल रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, इस तरह के लोगों को आदत नहीं डालनी चाहिए कि वो बाहर बैठ के कहने के हमारी गवाही लेने के लिए यहाँ पर जुडिशी सारी आ जाए, तो मेरा ख्याल है ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे कुछ नहीं निकलना और कोई फ़ायदा नहीं होना इसमें। नसीन आपने सुन लिया उनकी पेशकश भी मियां नवाज शरीफ की और उसका जवाब भी चौधरी शुजात हुसैन साहब का। तारिक अजीम साहब ये बताएगा कि क्या पॉसिबल है, वैसे तो चौधरी शुजात हुसैन मना कर चुके हैं कि कोई ऐसा हुकूमत बनाने के लिए तो इत्तेहाद नहीं बनेगा, तो इसमें हर्ज क्या है? अगर एक दफ़ा फिर पीर पगारा साहब ये कोशिशें करते करते चले गए इस दुनिया से कि लीगी तमाम एक हो जाएँ, तमाम मुस्लिम लीग जो है वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे आके काम करें, इसमें कोई हर्ज है या ऐसा कोई फड्डा है आपस में कि साथ दे ही नहीं सकते, साथ मिल ही नहीं सकते? नहीं जी, मेरा ख्याल शिकवा, जवाब शिकवा अपनी जगह पे,
मैं तो उस ग्रुप से बिलोंग करता हूं कि हमने हमेशा चाहा है कि मुस्लिम लीग के सारे धड़े इकट्ठे हो जाएं और ये कोशिश हमारी जारी है। और मुस्तकबिल की जो बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब, ठीक है, अगर सब पार्टीज़ इस चीज़ को एग्री कर लें कि आगे से जो है आर्मी टेक ओवर को सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो आपने बात कही, अगर ये सब लोग आपस में मिल बैठे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी इससे। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे ये भी करना है कि ये कहा गया कि जी चौधरी बरादरान अगर कौम से माफ़ी मांग लेते हैं तो उनको वेलकम कह दिया जाएगा, क्या मारवी मेमन से ये माफ़ी दिलवाई गई? उन्होंने भी तो डिक्टेटर का साथ दिया ना, तो पहले तो मारवी मेमन को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी डिक्टेटर का साथ देने की। ये तो जी सवाल आपको मारवी मेमन से करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। आपका तजिया क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा, जैसे मियाँ साहब बात कर रहे थे कि फ्यूचर की बात कर रहे थे कि आइंदा, उन्होंने लफ्ज़ आइंदा इस्तेमाल किया कि आइंदा कोई भी लोग जो हैं वो इस तरह के टेक ओवर को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखें कि जो हुआ 99 में, यानि कि मियाँ साहब उस वक्त उनकी 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, और जिस तरीके से उनको रिमूव किया गया, अगर कल को दोबारा यही चीज़ रिपीट होती है तो मैं समझता हूँ कि जो सारी जमहूरी इदारे हैं वो तो इस चीज़ को अपोज करेंगे, तो इसकी सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी मारवी मेमन माफ़ी मांगे या ना मांगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई खास? जी वो देखें, ये तो मारवी मेमन साहबा के लिए है कि अगर वो मांगना चाहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने मियाँ साहब को ज्वाइन करके तो आप समझ लें कि इनडायरेक्टली माफ़ी समझ लें कि मांग ली उन्होंने कि उनको जाके जो मुशर्रफ साहब के साथ थी और उसके बाद जाके अगर नून लीग को ज्वाइन करता है बंदा तो ला महाला ये भी डिसाइड करता है कि मैं इनके साथ जा रही हूँ जो जमहूरियत पसंद लोग हैं। ठीक है, हमें जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, तो आरिफ अलवी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम बात ये भी कर रहे हैं थोड़ी सी मारवी मेमन के हवाले से कि उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी में रहकर सियासत नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती, और डेफिनेटली उनका इशारा पीटीआई की जानिब था, ऑल्दो कि उन्होंने नाम नहीं लिया, क्योंकि जितने पहले वो गुटकी के जलसे में आप लोगों के साथ मौजूद थी, वो तमाम क्लास होते थे उसमें आप लोगों के साथ होती थी, ड्रोन हमले के खिलाफ जो धरने होते थे उसमें आप लोगों के साथ होती थी, फिर एक ड्राफ्ट भी उनके पास था जो खान साहब ने साइन करके उनको दिया था या उन्होंने साइन करवाया था, तो ये मिलते जुलते आते आते ऐसा क्या हुआ कि फिर उनको समझ आई कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, वो नून लीग को प्यारी हो गई? अच्छा, इसका जवाब तो वो खुद देंगी, मगर ये ज़रूर है कि उनकी बातचीत हमारी पार्टी के साथ चल रही थी और उसके अंदर हमने उनसे ये कहा कि भाई जो चीज़ें आपको लिख कर दी गई उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मंजूर कराया जाएगा, अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मंजूर करेगी तो आप लिख कर दी गई, क्या मतलब किसने लिख के दी थी? खान साहब ये जो खत दिखा रही थी उसके अंदर खान साहब ने, हमारे यहाँ तरीक़ेकार ये है कि खान साहब जब किसी कुछ लोगों से, सियासी लोगों से नेगोशिएट करेंगे, कोई बात करेंगे तो अपनी तरफ से एक बात करते हैं कि ये बात हम कमिट कर रहे हैं कि ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में रखी जाएगी, तो बात जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आएगी तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज द फाइनल अथॉरिटी। वो ड्राफ्ट खान साहब ने तैयार करवाया था? नहीं, वो जो मुझे मालूम है मारवी मेमन साहिबा भी शायद इस पर इत्तेफाक करती हैं, कोई ड्राफ्ट वो खुद तैयार करके ले गई थी, ये इत्तेफाक वो बाद में करने लगी, पहले तो वो ये कह रही थी कि ड्राफ्ट मुझे पीटीआई की जाने से मिला है जो उन्होंने 12 फरवरी को, फिर 18 फरवरी को उन्होंने कहा कि जी ये ड्राफ्ट मैं तैयार करके लेके गई थी, खुद तैयार करके ले गई थी, खान साहब ने साइन कर दिए बगैर सीईसी के अप्रूवल के? हाँ, खान साहब एक कमिटमेंट करते हैं फिर सीईसी के अंदर वो अप्रूवल होता है कि क्या नेगोशिएट हुआ, यानी क्या बातचीत हुई अप्रूवल के बाद नेगोशिएट? नहीं, अप्रूवल के बाद नहीं, देखो बहुत सारी चीजें अप्रूवल से पहले खत्म हो जाती हैं, कोई किसी ने अग्री किया किसी ने किया, तो एक वर्थ होती है ना, तो आप डेफिनेटली आप बात से लाइक करेंगे कि एक कमिटमेंट होता है, एक वर्थ होती है, एक पेपर है, ड्राफ्ट है, खान साहब ने साइन कर दिए, सिग्नेचर ड्राफ्ट है, सिग्नेचर साइन ड्राफ्ट है, और वो सीसी में जाएगा अप्रूवल के लिए, बिल्कुल ड्राफ्ट पर सिग्नेचर होते हैं, ये उल्टा नहीं चल रहा है थोड़ा? नहीं, ऐसे ही चलता है, देखो सारे जो जितने लोग अगर 500 लोग आना चाहते हैं पार्टी के अंदर तो सारे 500 लोगों के ड्राफ्ट और कंडीशन जो है वो सीसी में नहीं आएंगी, मगर जिनसे मामला तय होने के करीब होगा एट द फाइनल स्टेज तो फिर सीसी के अंदर अप्रूवल पर आती है। और आपकी पार्टी को जो ज्वाइन करता है वो अपना ड्राफ्ट खुद बना के ले आता है अपॉइंटमेंट्स के तौर पर? नहीं, अपॉइंटमेंट्स के तौर पर, देखो वैसे तो बहुत सारे लोग आए ना अपॉइंटमेंट्स के तौर पर। अच्छा, ड्राफ्ट आपने कहा कि पार्टी में जो आएगा वो बनाकर लाएगा, जरूर बनाकर लाएगा, हम खुद बनाकर देंगे, इट्स एन एक्सचेंज, इट्स एन एक्सचेंज। अगर खान साहब ये कहते हैं कि भाई ये ड्राफ्ट उनको मंजूर है और सीसी में रखा जाएगा तो साइन कर सकते हैं, मगर ये कि खान साहब की कही भी बात हमारी एक जमहूरी पार्टी है, हरफ आखिर नहीं, हमारी एक जमहूरी पार्टी है, अगर पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो फिर ज्यादा बेहतर तरीकेकार ये नहीं है आरिफ अलवी साहब कि पहले अगर कोई है इंटरेस्टेड है या आप लोगों के दरमियान कोई बात हो रही है, कोई नेगोशिएशंस हो रहे हैं तो सीईसी में अप्रूवल हो, उसके बाद उस अप्रूवल के बाद फिर वो ड्राफ्ट बने, फिर उस पे सिग्नेचर्स। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे थे पार्टी के अंदर, उनकी कुछ ख्वाहिशात थी मिसाल के तौर पर, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में रखी गई और उसके बाद वो
उस पोजीशन पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वाइस चेयरमैन बने पार्टी के, ठीक है ना। तो पहले नेगोशिएशंस होती हैं, बातचीत होती है, फिर सीसी में रखा जाता है। पार्टी पोजीशंस के एतबार से सीसी में रखा जाएगा, पार्टी ज्वाइनिंग्स के एतबार से सीसी में रखा नहीं जाना जरूरी है। अच्छा, मगर तो कौन सी बात थी जो सीसी में नहीं मानी गई और मारवी मेमन को नून लीग? देखिए, जब ये ड्राफ्ट मारवी मेमन साहिबा ने शायद कोई जुमे का दिन था जब खान साहब ने मुझसे कहा कि भाई इनसे बातचीत हुई है, अब आप इनसे जाकर आप डिस्कस कर लीजिए। जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो जो सीसी के अंदर अप्रूवल ना होने का इम्कान था ये कि शी वांटेड टू बी आंसरेबल ओनली टू द चेयरमैन, जो सीसी ने नामंजूर करना था। मगर ये कि जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो खान साहब से कमिटमेंट हो गई, तो मैंने उसकी वजाहत की कि नहीं, कमिटमेंट नहीं हुई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जाएगा ज़रूर, और चेयरमैन साहब ने भी उनको बता दिया था। तो मैं जब उनसे बात करने गया तो ये था, फिर कुछ पॉलिसी एंड प्लानिंग के एतबार से था, वो जहांगीर तरीन साहब आ रहे थे पार्टी के अंदर, तो उनके साथ उसके सिलसिले में अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ही वॉज गुड एट दैट। और तीसरी बात शायद ये थी कि पार्लिमानी बोर्ड में होंगे, जिसमें हमें कोई इतराज़ नहीं था, मगर इन दो चीज़ों पर इतराज़ था कि शी कैन नॉट बी आंसरेबल टू द चेयरमैन, शी इज आंसरेबल टू द सेंट्रल। ठीक है, सिद्दीक अल फारूक साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक अल फारूक साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सिद्दीक अल फारूक साहब फरमाएगा कि क्योंकि मारवी मेमन की ख्वाहिश थी कि उनको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा मिले, वो सिर्फ चेयरमैन को आंसरेबल हो, तो फिर वो पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगी, और पीटीआई को ज्वाइन करने के वो बहुत करीब भी थी, जिस तरह से ड्राफ्ट बन गया था, खास साहब ने साइन कर दिए थे। आप लोगों की तरफ से क्या ऐसी ऑफर हुई कि झटपट उन्होंने जाके नून लीग ज्वाइन कर ली? देखिए, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि दरमियान में क्या चीज़ें हुई, लेकिन बहुत पहले से मारवी मेमन साहिबा हमारे साथ प्रोग्रामों में भी आती थी। मैंने ये महसूस किया कि वो मुस्लिम लीग नून ही के ज़्यादा करीब हैं और वो मुस्लिम लीग नून को ही ज्वाइन करना चाहती हैं। दरमियान में अगर कोई ऐसी बात हुई है जो उन्होंने बताई भी है तो शायद इनकी तरफ से ऑफर हुई हो। मुझ पर भी मेरे भाइयों ने, बात मीडिया के दोस्तों ने, कुछ और लोगों ने ये कहा कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें, तो मैंने तो ये कहा कि मैं तो देख के मक्खी नहीं खा सकता, मैं बहुत से मामलात को जानता हूँ, इसलिए मैं इधर नहीं जाता। उन्होंने बहुत तारीफ भी की, आप बड़े ईमानदार आदमी। लेकिन मुझे बताएं, और आपने ये कहा, एक सेकंड, आपने ये कहा कि वो नून लीग ज्वाइन करना चाहती थी, आपके प्रोग्राम में शिरकत करती थी, इसी तरह से इसी तवातुर के साथ शिरकत तो वो पीटीआई के प्रोग्राम्स में भी करती थी, घोट की जलसे में वो मौजूद थी, इजलासों में वो शामिल होती थी, चाहे लाहौर में हो चाहे पेशावर में हो, धरने जो होते थे ड्रोन हमलों के खिलाफ उसमें वो शिरकत करती थी। नहीं, धरनों में तो बहुत से लोग, दूसरे लोगों ने भी शिरकत की है। मैंने ये कहा है कि हमारे साथ ये जो टीवी टॉक शोज थे, मेरे साथ वो कई प्रोग्रामों में तो जो बात होती थी तो उसमें ये नजर आता था, प्रोग्रामों मुस्लिम लीग नून के प्रोग्रामों की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल ये बात मारवी मेमन साहिबा बता सकती हैं या तहरीके। अच्छा, एक बात ठीक है, जो बात मारवी मेमन बता सकती हैं उसको छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ साहब ने कहा कि चौधरी बरादरान कौम से माफी मांगे डिक्टेटर का साथ देने पे तो उनको वेलकम किया जाएगा, क्या ये सेम रूल मारवी मेमन पे अप्लाई नहीं होता? क्या उनसे कहा गया कि आप भी कौम से माफी मांगेंगे, उन्होंने डिक्टेटर का साथ दिया? चौधरी बिरादरान के बारे में परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में ये लिखा है कि गुजरात के चौधरी बिरादरान पर बड़ी कीचड़ उछाली जा रही थी, लेकिन वो काम के आदमी थे और उन्हें फिर ये टास्क तारिक अजीज के जरिए ये दिया गया कि आप मुस्लिम लीग नून को तोड़कर मुस्लिम लीग काफ बनाएं, और उन्होंने ये काम बड़ी खूबी से अंजाम दिया। अब मारवी मेमन साहबा तो कभी मुस्लिम लीग नून में रही ही नहीं, लेकिन मारवी मेमन साहबा ने डिक्टेटर साथ दिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ना वो वजीर रही, डिक्टेटर का साथ दिया। मैं अर्ज कर रहा हूँ अब इस सिलसिले में मुस्लिम लीग काफ के भी कुछ लोगों के बारे में जिन्होंने परवेज मुशर्रफ का एजेंडा जो है वो पूरा किया और मुस्लिम लीग नून को तोड़ा, उसमें से 5-7 लोगों के बारे में ये जो है बाकायदा हमारी मजलिस आमला ने उस वक्त से जब नवाज शरीफ साहब अभी बैरून मुल्क थे ये करारदादें पास कर रखी थी, तो कहीं ना कहीं से तो बिस्मिल्लाह करनी पड़ती है। मारवी मेमन बहरहाल उन लोगों में नहीं आती जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाया, मुस्लिम लीग नून के दफातर पर कब्जे किए। देखिए, एक सेकंड, आप थोड़े से, एक सेकंड सिद्दीक अल फारूक साहब, आप थोड़े से पर्सनलाइज हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मारवी मेमन ने नून लीग को कोई नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। मियाँ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि कौम से माफी मांगे कि नून लीग को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने ये कहा कि माफी मांगे कि डिक्टेटर का साथ दिया, और डिक्टेटर का साथ मारवी मेमन ने दिया। यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब के एक लफ्ज में वो सारी बात आ गई हो, लेकिन चौधरी बिरादरान के दो नाम तो आए ना सामने, चौधरी बिरादरान का एक खास किरदार रहा है।
तो चौधरी बिरादरान के उस किरदार के पेश नजर ये कहा गया है कि वो माफी मांगे, क्योंकि डिक्टेटर के कहने पे उन्होंने मुस्लिम लीग नून को तोड़ा, बंदों को तोड़ा, हमारे दफातर पर कब्जे किए, ये मैं पर्सनलाइज नहीं हो रहा। तो उनके आपके अगर दफातर पे इंस्टीट्यूशन होता है सदीक अल फारूक साहब, आपके दफातर पे अगर कब्जे किए तो कौम से माफी क्यों मांगे, फिर तो आपसे माफी मांगे। इसीलिए हमने इसको वसत कलबी से ये कहा है, अगर हम ये कहें कि हमसे माफी मांगे तो जरा ये बात हो सकती है कि जी हम आपसे माफी क्यों मांगे, तो हमने ये कहा है कि चूंकि ये बुनियादी तौर पर सियासत जो हम कर रहे हैं कौम के लिए कर रहे हैं, ये डिक्टेटर जो है आता है वो कौम के मसाइल खराब करता है और कौम को नुकसान पहुंचाता है, तो जिस कौम को नुकसान पहुंचा है आज जिस दलदल में हम हैं, वो परवेज मुशर्रफ ने इसमें वो लाया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फिर उसमें कुछ इजाफा किया है, लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि वो कौम से माफी मांगे तो चूंकि ये जराइम कौम ही है, कौम से माफी मांगे। ठीक है सदीक अल फारूक साहब, रुकिएगा प्लीज, जरा मैं तारिक अजीम साहब से भी बात कर लूँ। तारिक अजीम साहब, जिस तरह के इल्जाम है कि चौधरी बरादरान ने नून लीग को तोड़ा और नून लीग की ही से पैदा हुई थी खाफ लीग, और जिस तरह से मुशर्रफ का साथ दिया और आप भी उन्हीं में थे, आप वजीर इत्तला'आत भी उस जमाने में रहे हैं, क्या इन गुनाहों का कोई कफारा है आपकी नज़र में? देखिए, जो आपने बात शुरू की थी प्रोग्राम के शुरू में, बात वहीं आ जाती है कि जो लोग जो हैं अगर एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, और एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन नज़ीर लगारी साहब दे चुके हैं कि उसके बलबोते पे आके अगर आप एक जमहूरी जो है, एक चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है, उसको डैमेज करते हैं और उसके साथ चलते हैं, तो वो एक सिलसिला ज़रूर था। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मियाँ साहब उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी से उनकी हुकूमत थी, उसको जब रिमूव किया गया और उसके बाद जाके 2002 में जब इलेक्शंस होते हैं तो कहा यही गया कि जी आप जाके जमहूरियत की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, और उसमें जाके मुस्लिम लीग के बंदों ने ही क्यों लीग बनाई, ये तो फैक्ट की बात है, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। अब जो बात हो रही है वो है फ्यूचर की बात हो रही है कि मुस्लिम लीग के जो धड़े हैं अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो एक मजबूत मुस्लिम लीग जो है वो जमहूरियत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन आपको ये लगता है कि चौधरी बरादरान, क्योंकि उन्होंने तो फिर एक आर ये भी साथ में कह दिया कि जी वो फिर 25 साल पुरानी भी माफ़ी मांगे कि उन्होंने भी एक बावर्दी डिक्टेटर को, सदर जो थे उस वक्त के, उनको असेंबली में लेकर आए थे, उनको खिताब करवाया था, तो फिर तो ये लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि वो, उनको तो कोई इंटरेस्ट इस चीज़ से नहीं है, तो कैसे धड़े हो जाएंगे? मेरा ख्याल है जी अब इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए। मैंने पहले किया कि जैसे अगर भुट्टो साहब की बात की जाए तो यूब खान का साथ दिया, या नवाज शरीफ साहब ने किसका साथ दिया, या किसी दूसरे ने किसका साथ दिया। अब माजी को अगर भूल जाए, अगर माजी में हम रहे तो कुछ आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हमें फ्यूचर को देखना होगा। माजी की गलतियों से सीखना जरूर चाहिए लेकिन हमें मुस्तकबिल का भी सोचना है। भी ना करें उसके लिहाज से, इग्नोर करें, फिर बड़ापन दिखाएं ना मियां साहब, बड़ापन दिखाएं, इग्नोर कर दें, माफ कर दें। होना तो यही चाहिए कि सब लोगों को बड़ापन दिखाना चाहिए और मुस्तकबिल का सोचना चाहिए, इसमें सबका भला है। अगर दो बड़ी पार्टीज होंगी इस मुल्क में तो उसमें जाके जमहूरियत को फायदा होगा। दो बड़ी पार्टीज होंगी तो तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ब्रेक से वापस आऊंगी तो फिर ये बात करूंगी कि जो दो मेन पार्टीज होनी चाहिए, फिर तीसरी की गुंजाइश कहाँ पर बनेगी। और मैं मुख्तसर से बताती चलूँ, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने हम थोड़ा देर से ज्वाइन किया है, उससे पहले जो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज के वाले से बात हो रही थी, नज़ीर लगारी साहब से हमने उनका तबसरा जाना था, उन्होंने कहा था कि बहुत सारी दिफा पाकिस्तान काउंसिल समेत और PTI के भी कुछ ऐसे कोई कहीं ना कहीं ताने बाने जाके मिलते हैं कि जो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके कोई मकासद हैं जो उनको PTI से भी मिलने हैं, जो कि नून लीग से और पीपल्स पार्टी से नहीं मिल रहे। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहें।